नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करते हैं महानगर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले खबरें राज्यों से जुड़ी। कोलकाता हाई कोर्ट ने खारिज की राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने वाली याचिका। इकोपर थाने की पुलिस ने एक बड़ी डकैती की साजिश को विफल करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार देर रात कुछ लोगों को इलाके में संगीधाल में घूमते देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद इको पार्क थाना पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। जोधपुर में वसूली की घटना के बाद अब हावड़ा में भी रंगदारी को लेकर गुंडागर्दी देखने को मिली। दरअसल बाली में दिन दहाड़े गुंडा राज चल रहा है। एक व्यवसायी द्वारा 50,000 रुपए रंगदारी नहीं देने पर व्यवसायी की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शुक्रवार की सुबह कांति नगर पालिका के 6 नंबर वार्ड के भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार में निकले विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर गो बैक के नारों का सामना करना पड़ा। आरोप है कि तृणमूल की ओर से गो बैक के नारे लगाए गए। इससे पहले गुरुवार को भी इस तरह शुभेंदु अधिकारी को घेर कर तृणमूल नेता और कार्यकर्ता ने विक्षोभ दिखाया था। गोटा राज्यटाके सिविके परिणत करेछेन। सिविक डाक्तार, सिविक नार्स, सिविक शिक्षाकर्मी, सिविक पुलिस, सिविक हेल्थ वार्कार, सब सिविक গোটা রাজ্যটাকে শেষ করেছেন। মমতা ব্যানার্জি মনে করেন যে আমার সঙ্গে একটা ফিক্সড ভোট রয়েছে তোষণের জন্য, আর কিছু লোককে ভাতা দেব, ভাতা দিলে তাদের ভোট পাব, আমার 45% হলেই আমি ভোটে জিতে যাব। তাই ভাতা ভিক্ষা ভর্তুকিতে রাজ্যটাকে শেষ করেছেন। শিল্প নেই, কৃষকরা অধিকার পায় না। सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन के सामने ट्रेन की चपेट में आने से एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक रेलवे कर्मचारी का नाम संजय कामती बताया जा रहा है। वह रेलवे में ग्रुप डी के पद पर कार्यरत था। एक मानुष ट्रेने नीचे ऐसे मारा गए थे, पर हमरा ऐसे देख लम सत्य केटे घर आलदा और बॉडीटा एकदम छिन्न भिन्न हो गए। এখানে আমাদের দীর্ঘদিন ধরে কোনো ওভার ব্রিজ নেই, এখন ওভার ব্রিজ না থাকাতে কোনো কারণবশত উনি ডিউটিতে ছিল না, কোনো দোকানে গেছিল, তাড়াহুড়া করে ওই যখন ট্রেন ঢুকে যায় তখন উনি এখানে পড়ে গেছে, পড়ে যাওয়াতে ওর মৃত্যু হলো। কিন্তু আমাদের এখানে অবশ্যই ওভার ব্রিজের দরকার। এর আগে আমরা ডিপুটেশন দিয়েছিলাম ডিএমকে, আঠিয়ারকে দিয়েছি, শিলিগুড়িকে দিয়েছি, স্টেশনও দিয়েছি, তারা বলছে হবে হবে, কবে হবে সেটা আমাদের জানা নেই। दुर्गापुर स्टील प्लांट में गैस रिसाव की चपेट में आने से श्रमिक अरूप मजुमदार, सिंटू यादव संतोष समेत 4 श्रमिक बुरी तरह से अस्वस्थ हो गए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। अब रुक करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी खबरों की ओर। गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में फैसला हो गया है। विशेष अदालत शुक्रवार यानी आज बम धमाकों में दोषियों को सजा सुनाई है। दोषी पाए गए कुल दोषियों में 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि 11 को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। मालूम हो कि अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को यह बम धमाके हुए थे। 40 मिनट के अंदर 56 लोगों की मौत हो गई थी। इन बम धमाकों में 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अब रुक करते हैं मनोरंजन जगत की खबरों की ओर। उर्फी जावेद ने पहनी न्यूड कलर में अतरंगी ड्रेस, देख कर चकराए फैंस। जान लेते हैं धर्म जगत से जुड़ी खबरें। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी 20 फरवरी यानी रविवार को है। प्रत्येक महीने में 2 चतुर्थी आती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी कहा जाता है। वही अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। चतुर्थी भगवान गणेश की तिथि है। इस दिन कष्टों से निजात पाने के लिए गणेश भगवान की पूजा की जाती है। गणेश भगवान की पूजा करने से गणेश भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।